नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम इस यूनिट का जो है यूनिट 12 डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट की, जो कि रेडियो रिसीवर पे बेस्ड है और ये पहला लेक्चर है इस यूनिट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं के लेक्चर में। हम लोग रेडियो रिसीवर्स में जो है 20 ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रिस्टल एंड टीआरएफ रेडियो रिसीवर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर नीड फॉर एन प्रिंसिपल सुपर हेटरोडाइन रेडियो रिसीवर, जिसको हम लोगों ने लास्ट टर्न पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और उसी को आगे हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पहले रेडियो रिसीवर्स पर हम बात करें तो इसकी में जैसा हमने बताया था आपको कि ट्रांसमीटर, जब हमारा रेडियो ट्रांसमीटर सिग्नल को ट्रांसमिट करता था तो उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास एक कंपैटिबल रेडियो रिसीवर की आवश्यकता होती है, और बेसिकली ऑल दीज वर्क एट द रेडियो फ्रीक्वेंसीज, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रेडियो रिसीवर बोलते हैं। ठीक है, ये सारे आरएफ फ्रीक्वेंसीज आरएफ पे वर्क करते हैं, तो इसलिए ये रेडियो रिसीवर के नाम पे जाने जाते हैं। आइए एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करें। तो सबसे पहले कि रेडियो रिसीवर है क्या, तो इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो अ रेडियो रिसीवर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट रिसीव्स रेडियो वेव एंड कन्वर्ट्स इट्स इंफॉर्मेशन कैरीड बाय देम टू अ यूजेबल फॉर्म। ठीक है, तो रेडियो रिसीवर जैसा आप देख रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, इट रिसीव्स रेडियो वेव्स, ये रेडियो वेव्स को रिसीव करता है। अब रेडियो वेव में आपका बेसिकली क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा, उसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कैरियर भी होगा और मैसेज सिग्नल भी होगा। ठीक है, एंड कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन कैरीड बाय देम टू अ यूजेबल फॉर्म, और उस इंफॉर्मेशन को जो कैरियर में जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन को अलग करना और उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना जिस फॉर्म में हमें उसकी आवश्यकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ से लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा लेक्चर मेरे लैपटॉप में लगे हुए ट्रांसड्यूसर के द्वारा जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा होगा, फिर वो वेरियस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स और फिर आरएस सिग्नल होते हुए आपके मोबाइल सिस्टम पे पहुंचा। आपका मोबाइल सिस्टम कैसा वर्क कर रहा है, एज अ आरएफ रिसीवर। ठीक है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर की तरह उसने बिहेव किया और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिसीव किया, फिर उसने क्या हुआ किया कि उसमें से यूजफुल मैसेज सिग्नल को आइसोलेट किया होगा, और फिर उस रिसीवर ने उस सिग्नल को, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हमारा मैसेज सिग्नल था, उसको ट्रांसड्यूसर पे दिया, और ट्रांसड्यूसर जो आपके मोबाइल में बेसिकली हेडफोन लगा हुआ है, उस हेडफोन के द्वारा आप उसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, वॉइस सिग्नल में, और आप मेरे लेक्चर को सुन पा रहे हैं। तो ये जो पूरी एक प्रक्रिया जो अभी आप करंट स्टेज में गवर्न हो रही है आप और मेरे बीच में, ठीक है, तो ये भी बेसिकली एक एग्जांपल है रेडियो रिसीवर का। ठीक है, जिसमें मेरे साइड में ट्रांसमीटर है और आपके साइड में क्या है, रिसीवर है। तो इस तरीके से हम जो चीज यहाँ पे लेक्चर में बता रहे हैं उसको आप सक्सेसफुली वहां पे सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो रेडियो रिसीवर का आपने काम समझा बेसिकली कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें हम बात करें रेडियो रिसीवर की हिस्ट्री के बारे में कि कैसे इसका जनरेशन हुआ। तो अलेक्जेंडर साहब ने जो है बेसिकली इसका इन्वेंटर इसको माना जाता है इनको। ठीक है, और कहा जाता है कि लगभग 1986 में जो है वो फर्स्ट रेडियो रिसीवर हमारे बीच में आया। ठीक है, और इट वॉज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कॉन्सेप्ट पे ये काम कर रहा था, विच वेयर प्रूवन टू एग्जिस्ट बाय द जेम्स मैक्सवेल। ठीक है, तो जेम्स क्लॉक मैक्सवेल ने इसको जो है फिर से जो है रीअटेन किया, और ओनली अ फ्यू इयर्स अर्लियर इन 1887 में। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो फर्स्ट रेडियो रिसीवर था, ठीक है, उसका इन्वेंशन तो 1886 में मतलब मान लिया गया कि इस समय जो है वो जेम्स मैक्सवेल साहब ने कुछ इस पे काम किया था, लेकिन जो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ रेडियो रिसीवर का वो 1896 में माना जाता है। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री में हम बहुत ज्यादा ना जाके इसके अगर हम ऑपरेशन पे एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हम जो है इसके ऑपरेशन पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं अपने को, तो टाइप्स ऑफ रेडियो रिसीवर की अगर मैं बात करूं तो रेडियो रिसीवर हमारे पास तीन तरीके के हैं,
क्रिस्टल रेडियो रिसीवर, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर एंड सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। ठीक है, तो यही आपके बेसिकली सिलेबस का भी पार्ट है और हमें इन्हीं रिसीवर्स के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रिस्टल रेडियो रिसीवर से। ठीक है, तो क्रिस्टल रेडियो रिसीवर बेसिकली क्या है कि इसमें बेसिकली क्या है कि क्रिस्टल रेडियो इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ द रेडियो रिसीवर। ठीक है, और सबसे इजी जो है इसका सर्किट है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख भी रहे होंगे, ठीक है, कि इसमें बेसिकली एक आपका ट्यूनिंग कॉइल लगा हुआ है, एंटीना डिटेक्टर है, ठीक है, और फिर आपके पास हेडफोन लगा हुआ है जिससे आप सिग्नल को जो है वो रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, तो है क्या बेसिकली इसमें कि इट्स नीड्स नो बैटरी और नो पावर पावर सोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो किसी तरीके की क्या है इसमें बैटरी या पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये वेरी बेसिक और वेरी एलिमेंट्री जो है वो रेडियो जो है क्रिस्टल रेडियो डिवाइस है। ठीक है, इट गेट्स ऑल ऑफ इट्स पावर ओनली फ्रॉम द रेडियो वेव। इसके वर्क परफॉर्म के लिए जो भी पावर की जरूरत होती है बेसिकली कहाँ से आती है, जिस सिग्नल को हम रिसीव करें। ठीक है, तो कितना जो है पावर इफिशियंट डिवाइस हो गई एक तरीके से कि हमको इसमें कोई पावर नहीं देनी है, कोई पावर सोर्स नहीं लगना है, जो जब सिग्नल इसमें क्या हो रिसीव होगा तो रिसीव होने के उपरांत जो है उसी में से हम जो है वो क्या करेंगे ऑपरेशनल पावर जो है वो अचीव करेंगे। अब बेसिकली ये सब सारा काम किसके बेसिस पे हो रहा है, जो इसमें आपने कॉइल यूज कर रखी है। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे फैराडेज लॉज वगैरह आपने पढ़ा होगा कि फ्लक्स जनरेशन। ठीक है, तो जब आपके आरएफ जो आपके सिग्नल्स हैं इस कॉइल से पास करेंगे तो बेसिकली क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा होगा। इस कॉइल से पास करने वाला जो फ्लक्स है उसमें जब वेरिएशन होगा तो क्या होगा एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ जो इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन उसकी जो पोलरिटी होगी हमेशा इस कॉइल में उस तरफ होगी जिधर उस जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसको अपोज करे। अगर फ्लक्स की वैल्यू बढ़ रही होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ रहा होगा, तो ईएमएफ की वैल्यू हमारी क्या होगी उसको अपोज करने के डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी। ठीक है, और रेट ऑफ जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स अगर रिड्यूस हो रहा होगा तो बेसिकली उसको सपोर्ट करने के डायरेक्शन में जो है हमारी पोलरिटी होगी इस ईएमएफ की। ठीक है, तो ईएमएफ की पोलरिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का जो है वो मैग्नीट्यूड है बढ़ रहा है कि घट रहा है बेसिकली उस पर डिपेंड करेगा और वहीं से जो हमारा ईएमएफ जनरेट होगा वही इस पूरे सर्किट को क्या होगा वर्क कराएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या आप देख रहे हैं कि सबसे पहले तो आपका एक एंटीना डिटेक्टर है। ठीक है, और एंटीना डिटेक्टर से जो ये आपका क्वाइल से जो आपका सिग्नल आरएफ सिग्नल आएगा वो पास करेगा तो बेसिकली इसमें मैंने बताया कि फ्लक्स का जो है रेट का परिवर्तन होगा और उस फ्लक्स के रेट के परिवर्तन के अकॉर्डिंग जो है इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और उसी ईएमएफ को बेसिकली हम जो है वो इस माइक्रोफोन से क्या करते हैं ट्रांसड्यूसर के थ्रू जो है पास करा के उस ईएमएफ को में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम वॉइस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसी को हम सुनने में सक्षम होते हैं अगर कोई आरएफ सिग्नल अवेलेबल है तब। ठीक है, अगर कोई आरएफ सिग्नल नहीं अवेलेबल है तो रेट ऑफ चेंज मतलब फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा और हमारा जो हेडफोन है उससे हमें कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका क्रिस्टल ऑसिलेटर बेसिकली जो वर्क करता है उसका बेसिक कॉज क्या है। ठीक है, अब कंपोनेंट की बात करें कि कंपोनेंट्स ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर क्रिस्टल रेडियो ऑसिलेटर तो इसमें एक एंटीना होगा, एक ट्यूनर होगा। ट्यूनर बेसिकली वही आपने जो क्वाइल यूज किया है बेसिकली हम उस क्वाइल की जो निडल्स हैं उनको हम चेंज करते हैं और किसी पर्टिकुलर सिग्नल को जो है हम उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं और जब फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो वो सिग्नल हमारे द्वारा सिस्टम के द्वारा रिसीव किया जाता है और उसी को हम क्या करते हैं डिमॉड्यूलेट करके अपना जो हेडफोन है उसके थ्रू सुनते हैं। ठीक है, तो क्वाइल का यहाँ पे मेन रोल है। फिर ग्राउंड वायर है जो अर्थिंग आपने देखा था अभी, ठीक है, ग्राउंड किया हुआ। फिर वहीं पे डिटेक्टर है जो आने वाले सिग्नल को डिटेक्ट करेगा। फिर कैपेसिटर है और फिर डायोड है।
तो कैस्टर और डायोड का अपना अलग रोल है, अभी हम एक एक करके उन सब चीजों को भी समझेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके इसके बेसिकली वर्किंग को समझते हैं कि बेसिकली इसमें कार्य कैसे हो रहा है, ठीक है। तो रेडियो क्रिस्टल रेडियो रिसीवर की हम बात करते हैं तो बेसिकली क्या है कि जो आपका एंटीना होता है उस एंटीना पे बेसिकली क्या है कि आपका आरएफ सिग्नल इंसिडेंट हुआ, ठीक है। और जैसे ही इस पे आरएफ सिग्नल इंसिडेंट होगा क्या होगा कि इसके थ्रू जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इस क्वायल के हम बेसिकली इफेक्टिव इंडक्टेंस को क्या है बदल सकते हैं, चूंकि ये क्या है मूविंग क्वायल है, ठीक है। और हमको जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करना होता है हम उसके हिसाब से इस क्वायल की जो पोजीशंस हैं उनको चेंज करते हैं और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे हम इसको क्या करते हैं ट्यून करते हैं, और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी हमको क्या है इस ट्यूनर इस क्वायल के थ्रू जो है वो उसका सिग्नल जो है वो रिसीव हो जाता है, ठीक है। अब रिसीव होने के बाद फिर यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है और एक जो है वो डायोड लगा हुआ है। अब डायोड आप जानते हैं कि जैसे बाइसिंग के लिए भी यूज होता है कि फॉरवर्ड बाइस में है तो जो है वो क्लोज सर्किट की तरह काम करेगा, रिवर्स बाइस में है तो ओपन सर्किट में काम करेगा, और जैसे ही इसका नी वोल्टेज जब तक नहीं आता है ये क्या है कि एज अ सिग्नल को पास नहीं होने देगा, और जैसे ही नी वोल्टेज आएगा और लीनियर जो है रजिस्टर की तरह जो है बिहेव करने लग सकता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही नी वोल्टेज अचीव करते हैं डायोड में, आपने देखा हो कि इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक में कि बेसिकली जैसे ही नी वोल्टेज हमने अचीव किया होता क्या है कि हमारा जो है वो जो करंट है, ठीक है, इसका आई और वी का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लास्ट टर्म पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आई वी का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखते हैं कि पहले तो बेसिकली क्या है कि जब तक नी वोल्टेज नहीं आता है तब तक इसमें कोई करंट आपको नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही नी वोल्टेज आ जाता है सडन राइज हो जाता है करंट में, मतलब ब्रेक डाउन हो गया एक तरीके से, ठीक है। जैसे हमारा वेरियर वोल्टेज जो है वो अचीव हो गया, नंबर ऑफ जो है वो मूविंग आयन जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में क्रिएट होने लगे और हमारी करंट की वैल्यू एकाएक क्या हो गया बहुत बढ़ गई, और जिस फ्रिक्वेंसी पे बेसिकली जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमने ट्यूनिंग करी है उसी पे हमारा बेसिकली क्या करेगा जैसे ही ये ब्रेक डाउन अचीव हो जाएगा हमारे करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और इस तरीके से हम जो है वो क्या हुआ थोड़ा सा वोल्टेज में वेरिएशन होगा तो उसको बेसिकली क्या ये एम्पलीफाई करके हमको जो है वो जो हमारा डिटेक्टर है वहां पे मिलने लगेगा, और उस डिटेक्टर के थ्रू इसको हम किसी ट्रांसड्यूसर से पास कराएंगे। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे मेटल डिस्क एंड क्रिस्टल का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, हम लाउड स्पीकर की तरह इसको यूज करें तो ये क्या है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल के आपको किसमें साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आपका एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है जो है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर की वर्किंग कैसे हुई और कैसे जो है इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की परफॉर्मेंस है। फिर नेक्स्ट है आपका ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, जिसको हम लोग पॉपुलरली हम लोग इसको टीआरएफ रिसीवर के नाम से भी जानते हैं। तो टीआरएफ रिसीवर की हम बात करें तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जब एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारा क्या है कि आरएफ सिग्नल में अवेलेबल हो, ठीक है, तो वन आर मोर ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है हो और उसमें हमको किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करना है ट्यून करना है तो वहां पर क्या है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर का यूज होता है, ठीक है। इंडिविजुअली ट्यून्ड टू द स्टेशन फ्रीक्वेंसी, बेसिकली हम लोग अपने सिस्टम के जो हमारा एलसी सर्किट है उसको इस हिसाब से जो है मैनेज करते हैं कि एक जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उस पे इसको हम ट्यून करते हैं और जो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जैसे जिस मान लीजिए एफएम की हम बात करें या एएम सिग्नल की रेडियो की बात करें तो जो सिग्नल आ रहा हो उस पर्टिकुलर हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग जब हम इसको ट्यून करते हैं तो वो पर्टिकुलर सिग्नल हमको रिसीव होने लगता है और आफ्टर द रिसेप्शन जो है उसी को हम फिर एम्पलीफाई करते हैं लाउड स्पीकर के थ्रू जो है इसको ट्रांसड्यूस करके वोल्टेज को करंट स्वांग फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं और हम लोग जो है वो मैसेज को सुन पाते हैं, ठीक है। तो ट्यून ऑक्सीलेटर बेसिकली कब जरूरत पड़ती है व्हेन वन आर मोर ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट, ठीक है। अब
ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर की हम बात करें कि तो बेसिकली ये काम कैसे करते हैं और बेसिकली इनकी जरूरत क्यों पड़ी, तो ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर जिसको हम लोग TRF रिसीवर भी बोलते हैं इज अ टाइप ऑफ रेडियो रिसीवर दैट इज यूजुअली कंपोज्ड ऑफ वन आर मोर ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक से ज्यादा इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है होती है जिनको ट्यून किया जा सकते हैं, ठीक है। एम्पलीफायर स्टेज फॉलोड बाई डिटेक्टर सर्किट, ठीक है ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है कि एक आपका एक से ज्यादा ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर होंगे, एम्पलीफायर की स्टेजेस होंगी, उसके बाद फिर क्या होगा डिटेक्टर होगा जिसको हम लोग डिमॉडुलेटर के नाम से भी जानते हैं, फिर सर्किट टू एक्सट्रैक्ट द ऑडियो सिग्नल एंड एन ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, ठीक है। तो वही उसमें जो हमारा मैसेज सिग्नल है यूजफुल हमारा ऑडियो सिग्नल है उसको हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर क्या है फ्रीक्वेंसी हमारा जो एम्पलीफायर है उसके थ्रू हम इसको एम्पलीफाई करेंगे, ठीक है। तो पॉपुलर इन 1920 इट कुड बी टीडियस टू ऑपरेट बिकॉज सच स्टेज मस्ट बी इंडिविजुअली ट्यून टू द शैनन स्टेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो बेसिकली क्या था कि 1920 में हम इसकी वर्किंग बेसिकली आई जो है मार्केट में ये प्रोड्यूस हुआ लेकिन शुरू में बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया था, ठीक है, बिकॉज ये इंडिविजुअल ट्यून फ्रीक्वेंसी के हिसाब से काम करता था, ठीक है। बाय द मिड ऑफ द 1930 इट वाज रिप्लेस्ड बाय द सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, ठीक है। फिर एक ऐसा रिसीवर आया जो कि सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर था उसके द्वारा ये रिप्लेस हुआ, ठीक है, और जो कि एडविन आर्मस्ट्रांग के द्वारा क्या इन्वेंट किया गया था। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन मिले कि आपका जो TRF रिसीवर आया था वो कब आया था 1920 में, इट कुड बी टीडीएस टू ऑपरेट बिकॉज ईच स्टेज मस्ट बी इंडिविजुअल ट्यून टू द स्टेशन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये स्टेशन फ्रीक्वेंसी के हिसाब से पर्टिकुलर ट्यून रहता था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रिसीवर 1930 में आया सुपर हेट्रोडाइन जिसको एडविन आर्मस्ट्रांग ने इन्वेंट किया था। तो यहाँ से आपके दो तीन आपको ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए। ये एक आपके सामने डायग्राम है जो है बेसिकली TRF रिसीवर का, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ये बहुत पुराना आपका ये रिसीवर का डिजाइन है, ठीक है। अब शायद बहुत मुश्किल हो आप लोगों को ये देखने को भी मिले इसलिए मैंने इसका पिक्चर लगाया है कि आप लोग इसको देख पाइए, ठीक है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है ये ट्यूनर्स हैं बेसिकली, ये ट्यूनर ही आपका क्या कर रहे हैं कि हम इसके बेसिकली इसके जो रिएक्टेंस है उसमें इफेक्टिव रिएक्टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो बेसिकली है क्या कि पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ये सेट होते हैं कि उस वो फ्रीक्वेंसी वो RF सिग्नल का फ्रीक्वेंसी आएगा तो ये इसको क्या करेंगे रिसीव करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमको जो है मैसेज सिग्नल को मिलेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली मॉडर्न सिस्टम में इस तरह की जो है वो डिवाइसेस की पिक्चर भी देखना जो है वो दुर्लभ है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। द क्लासिक TRF रिसीवर्स ऑफ द 1920s एंड 30s कंसिस्टेड ऑफ द 3 सेक्शन, इसमें 3 सेक्शन थे बेसिकली इनकी वर्किंग स्टेज में। वन आर मोर ट्यून्ड RF एम्पलीफायर स्टेज, एक या एक से अधिक जो है ट्यून RF एम्पलीफायर की स्टेज होती थी। दीज एम्पलीफाई द सिग्नल ऑफ द डिजायर्ड स्टेशन टू अ लेवल सफिशियंट टू ड्राइव द डिटेक्टर, और ये बेसिकली क्या करते थे जो आने वाली सिग्नल है उसको एम्पलीफाई करते थे उस लेवल तक जिस लेवल तक हमारा जो डिटेक्टर है वो ड्राइव हो सके, मतलब वर्क परफॉर्म कर सके या उस सिग्नल को सिग्निफिकेंस कर पाए, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्क कर पाए। व्हाइल रिजेक्टिंग ऑल द अदर पिक्ड अप बाय द एंटीना, ठीक है, और उसके पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अलावा जितने हमारे सिग्नल होते थे उनको क्या करता था ये डिस्कार्ड कर देता था, सिर्फ क्या है जो ट्यून्ड सर्किट है जो इसके माध्यम से ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी है उसी को जो है वो रिसीव करता था, बाकी सबको डिस्कार्ड कर देता था। फिर सेकेंड स्टेज क्या होती थी डिटेक्टर की, तो पहली स्टेज में आपने सीखा एक तो सिग्नल को रिसीव करना, दूसरा क्या कि उसको इस लेवल तक एम्पलीफाई करना कि डिटेक्टर हमारा जो है वो परफॉर्म कर पाए उसके अकॉर्डिंग, और फिर तीसरा क्या था कि जो है वो बाकी के बचे हुए सिग्नल को क्या है अगर और किसी ट्यून फ्रीक्वेंसी के अलावा कोई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है तो उसको डिस्कार्ड कर देना ताकि वो डिटेक्टर तक ना पहुंच पाए। फिर नेक्स्ट आपका यूनिट है डिटेक्टर,
ठीक है, क्या है डिटेक्टर, अ डिटेक्टर विच एक्सट्रैक्ट द ऑडियो सिग्नल फ्रॉम द रेडियो कैरियर सिग्नल बाई रेक्टिफाइंग इट। ठीक है, डिटेक्टर जो है हमारा, जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल था उसमें से क्या करेगा, मैसेज सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अलग करेगा कैरियर से। ठीक है, एंड ऑप्टिकली बट ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्लूडेड वन आर मोर ऑडियो एम्पलीफायर स्टेजेज विच इंक्रीज द पावर ऑफ द ऑडियो सिग्नल। ठीक है, ऑडियो सिग्नल को की जो हमारी वैल्यू हमें प्राप्त हुई, लेबल प्राप्त हुआ, उसको इंक्रीज करने के लिए हमारे पास आखिरी स्टेज पे एम्पलीफायर की भी जरूरत पड़ी। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले डिसएडवांटेजेस देखते हैं क्या है, कि सिंस दे यूज्ड इंडक्टर एंड कैपेसिटर एज ट्यूनिंग द एलिमेंट द सर्किट इज बल्की एंड कॉस्टली। जैसा आपने डायग्राम में देखा था कि चूंकि इसमें कैपेसिटर लगा होता था, इंडक्टर लगा होता था, इसलिए इसका सर्किट बहुत हैंडी नहीं होता था, ह्यूज साइज का होता था, और वो भी ऐसे इंडक्टर कैपेसिटर जिनकी वैल्यू को हम क्या करें, जिनके इंडक्टेंस को परिवर्तित कर सकें। ठीक है, तो इसलिए बहुत हैंडी नहीं थे, दे आर नॉट सुटेबल टू एम्पलीफाई ऑडियो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को एम्पलीफाई करने में सुटेबल नहीं पाए गए। If the band of the frequency is increased, design become complex. और जैसे जैसे frequency band increase करता जाता था, इसका design क्या है, और complex हो जाता था। फिर advantages की बात करें तो they amplify defined frequencies. जो frequency की value हमने define करी, उस frequency को ये क्या करेंगे, amplify कर देंगे, बाकी को क्या करेंगे, reject कर देंगे। Signal to noise ratio at the output is good. मतलब SNR जो है हमको अच्छा खासा मिलने लगा था आउटपुट पे। ठीक है, मतलब यूजफुल जो हमारा सिग्नल था वो एज कम्पेयर टू नॉइज जो है वो फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा था। दे आर वेल सुइटेड फॉर रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज के लिए अच्छे ट्रांसमीटर एंड रिसीवर थे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। ठीक है, द बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी कवर विच एम्पलीफिकेशन इज रिक्वायर्ड कैन बी वेरीड। ठीक है, तो बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो एम्पलीफिकेशन की थी जो है वो भी क्या थी, वैरी हो सकती थी। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि ये हमारे जो है कुछ इसके एडवांटेजेस थे जिसके भी आप पे हम इसके एप्लीकेशंस को क्या है प्रीफर करते हैं। सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर की बात करें कि सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर्स बेसिकली होते क्या है और इनकी वर्किंग क्या होती है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग लास्ट टर्म पे जो है वो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का डिस्कस भी किए हैं, और आज के लेक्चर में भी हम इसमें कुछ और चीजें ऐड ऑन करते हैं और बेसिक से एकदम सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर इसको देखेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। ठीक है, और एज अ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर जो है एएम सिग्नल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें एक रिसीविंग एंटीना होगा, फिर जो आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी को रिसीव करेगा। ठीक है, फिर मिक्सचर होगा एक आपका, मिक्सचर जो है वो कई सारे आने वाले सिग्नल को आपस में मिक्सिंग के लिए यूज होगा। फिर लोकल ऑक्सीलेटर होगा, लोकल ऑक्सीलेटर बेसिकली होता क्या है कि एक पर्टिकुलर कैरियर फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। ठीक है, वो जो पर्टिकुलर, जैसे प्रीवियसली हम लोगों ने बहुत सारे ऑक्सीलेटर पढ़े थे उसमें होता था कि एक कॉन्स्टेंट फ्रीक्वेंसी का कैरियर जनरेट करना, यहाँ पे क्या है कि हम एक पर्टिकुलर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी फॉर अ रिसीवर के लिए जो है वो जनरेट करेंगे, जिसको हम लोग ओमेगा एलओ या एफ एलओ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोकल ऑक्सीलेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर वही एक होगी आपकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग आईएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आपका डिटेक्टर होगा, ठीक है, फिर ऑडियो एम्पलीफायर होगा, ठीक है, जो हमारे ऑडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करे। फिर जो आपको सिग्नल मिला उसको पावर एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और फिर आपका स्पीकर एज अ ट्रांसड्यूसर काम करेगा, जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बेसिकली क्या है वो वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करने में यूज होगा। ठीक है, तो दिए गए अगर सर्किट जो हमारे सामने है उसको हम गौर से देखें तो उसमें सबसे पहले आपका क्या है, आपको एक एंटीना दिख रहा होगा, फिर एंटीना से लगा हुआ आरएफ एम्पलीफायर दिख रहा होगा। बेसिकली ये क्या क्या करेगा कि जो एंटीना के द्वारा आरएफ सिग्नल हमारा रिसीव हुआ है उस सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, और बाकी सिग्नल को ये क्या करेगा, एंटीना के माध्यम से डिस्कार्ड कर देगा। फिर वहीं मैं मिक्सर की बात करूं तो मिक्सर अब पर्टिकुलर क्या है, आरएफ फ्रीक्वेंसी हमारी जो है वो आ रही होगी जिसको हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है,
उस जो है वो आरएफ सिग्नल की कोई अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी जिसको इस रिसीवर ने इस एंटीना के थ्रू रिसीव किया होगा और जिसको आरएफ एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई किया होगा। फिर एक लोकल ऑक्सीलेटर लिया। अब मैंने जैसा बताया कि लोकल ऑक्सीलेटर क्या, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का जो है हमें सिग्नल जनरेट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर एफ एलो फ्रीक्वेंसी मैंने इससे क्या की, जनरेट कराई, ठीक है, एफ लोकल ऑक्सीलेटर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोकल ऑक्सीलेटर, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि दोनों सिग्नल को हमने मिक्सचर पे भेजा। अब मिक्सचर क्या है कि दोनों, जो हमारा लोकल ऑक्सीलेटर के थ्रू सिग्नल आ रहा था और जो हमारा आरएफ एम्पलीफायर के थ्रू सिग्नल आ रहा था, दोनों को क्या करा, मिक्स किया, ठीक है। अब मिक्सिंग का आप जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या है कि आपस में मल्टीप्लाई करना विद मतलब वेटेड मल्टीप्लीकेशन करना, कि हम डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल को डिफरेंट वेट प्रोवाइड करें और आपस में मिक्स करें और फिर इसको हम क्या करें, फिल्टर से पास करें। अब जब फिल्टर से हम पास करते हैं तो हमारा जो फिल्टर इस तरीके का होता है कि पर्टिकुलर जो हमारा रिक्वायर्ड बैंड है उसको ये रिसीव करे और बाकी को क्या करे, डिस्कार्ड कर दे, मतलब हमारे सिग्नल को क्या कर दे, बैंड लिमिटेड कर दे, ठीक है, उस पर्टिकुलर जो अलाउबल फ्रिक्वेंसी है जिस पे हमने अपने आरएफ को ट्यून्ड किया है, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के रिगार्डिंग जो है वो सिग्नल को रिसीव करे, बाकी को सबको क्या कर दिए, डिस्कार्ड कर दे। फिर यहीं पे नेक्स्ट आपका जो है, जो नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक है आपका आईएफ एम्पलीफायर है। अब जब इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी वाला जो हमको सिग्नल मिला, हमको उसको क्या करना पड़ा, एम्पलीफाई करना पड़ा और एम्पलीफायर जो है क्या करेगा, उस पर्टिकुलर एफ आई एफ मतलब जो हमारा आरएफ की फ्रिक्वेंसी थी और एफ एल ओ मतलब लोकल ऑक्सीलेटर की जो फ्रिक्वेंसी थी, दोनों के मिक्सिंग से जो हमको एक सिग्नल प्राप्त हुआ है, जो हमारा इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी हमें दे रहा है, उस इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल को यह क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा और फिर इसको भेज देगा किसके पास, डीमॉड्यूलेटर के पास। अब डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा कि चूंकि आपका सिग्नल बैंड लिमिटेड था, क्यों, क्योंकि उसको आपने फिल्टर के थ्रू पहले ही पास करा दिया था, अब ये डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा कि पर्टिकुलर जो रिक्वायर बैंड है, ठीक है, उस सिग्नल को ये क्या करेगा, यहां से जो है वो फाइंड आउट कर लेगा, मतलब जो हमारा मैसेज सिग्नल था उसको जो है वो रिट्रीव कर लेगा, टोटल जो हमारा सिग्नल हमको रिसीव हुआ है, और उसको किसके पास भेज देगा, उसको आरडीओ एम्पलीफायर के पास भेज देगा। यही आरडीओ एम्पलीफायर क्या करेगा, यहाँ पर हमारा सिग्नल जो है वोल्टेज जो कि एक वेरिएशन के फॉर्म में होगा, इस वोल्टेज सिग्नल को ये किसमें कन्वर्ट कर देगा, साउंड एनर्जी में, ठीक है। और इस तरीके से हम जो है वो सिग्नल को सुन पा रहे हैं, जैसा हम लोग जो है इस समय जो है जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, आप उसको जो है वो भली भांति समझ पा रहे हैं अपने सिस्टम पे, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी प्रक्रिया कुछ इसी टाइप की जैसे आपका सुपर हेट्रोडाइन में होती है, इसी तरीके की प्रक्रिया चल रही है कि मेरे द्वारा दिया गया यूजफुल जो इंफॉर्मेशन है उसको आप रिसीव कर पा रहे हैं, और यूजफुल इंफॉर्मेशन को ही हम लोग क्या, सिग्नल बोलते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द अदर सिग्नल्स आर वर्क एज अ नॉइज, ठीक है। तो यूजफुल के अलावा जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में सिग्नल्स अवेलेबल हैं उनको हम नॉइज की तरह जो है यूज करते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि पर्टिकुलर जो मैसेज सिग्नल है वो हमारे लिए यूजफुल हो, लेकिन कोई दूसरा अगर हमारा सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर है उसके लिए हो सकता है वो एज अ नॉइज के लिए काम करे, क्यों, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो सुपर हेट्रोडाइन दूसरा वाला है वो उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ट्यून किया गया है कि नहीं किया गया है, बहुत चीजें इस पर भी डिपेंड करती हैं। तो जिस फ्रिक्वेंसी पे सिस्टम हमारा रिसीवर ट्यून किया हो वो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हमारा यूजफुल सिग्नल है, बाकी भी जितने भी सिग्नल एटमॉस्फेयर में हैं वो सभी कैसे हैं, एज अ नॉइस सिग्नल की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे जो है सुपर हेट्रोडाइन जो हमारा रिसीवर है उसका एक एक ब्लॉक कैसे वर्क करता है। तो आइए इसके बारे में हम लोग कुछ और गहन अध्ययन करें कि आईएफ एम्पलीफायर क्या होता है, आरएफ एम्पलीफायर क्या होता है। दिस सर्किट कैन बी एडजस्टेड टू सेलेक्ट सेलेक्ट एंड एम्पलीफाई एनी कैरीज फ्रीक्वेंसीज विद इन द एएम ब्रॉडकास्ट बैंड, ठीक है। Only the selected frequency and its two side bands pass through the amplifier, ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जिसकी फ्रिक्वेंसी हमने FIF से जो है वो डिफाइन करी, जो RF amplifier है वो RF जो हमारा सिग्नल रिसीव होगा उसको एम्पलीफाई करेगा,
ठीक है, उसके साइड बैंड्स को एम्पलीफाई करेगा, बाकी सबको डिस्कार्ड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आरएफ एम्पलीफायर का जो है रोल है, चूंकि ये पर्टिकुलर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ट्यून किया जाता है और उसी ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करता है, बाकी सबको क्या कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है। फिर जैसा आपने लोकल ऑसिलेटर देखा था, लोकल ऑसिलेटर क्या है, दिस सर्किट जनरेट्स अ स्टडी साइन वेव एट फ्रीक्वेंसी 455 किलोहर्ट्ज, ठीक है, अबव द सिलेक्टेड आरएफ, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी हेटरोडाइन की हम बात करते हैं एम के लिए, तो 455 किलोहर्ट्ज की होती है, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये लोकल ऑसिलेटर का मतलब है कि कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल ये क्या करेगा, जनरेट करेगा। फिर उसी के बाद आपने मिक्सर देखा था, मिक्सर के थ्रू ही जो है हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी जनरेट करते थे, और इस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एफआईएफ की वैल्यू क्या होती थी, एफआरएफ, मतलब जो आपका आरएफ सिग्नल एंटीना के द्वारा रिसीव किया जाता था वो फ्रीक्वेंसी वैल्यू प्लस माइनस एफएलओ, एफएलओ क्या था, लोकल ऑसिलेटर के द्वारा जो आपको फ्रीक्वेंसी जनरेट की जा रही है। तो दोनों का अगर हम लोग प्लस माइनस देखें, तो आरएफ की फ्रीक्वेंसी अगर मैंने एग्जांपल के तौर पर 1000 किलोहर्ट्ज ले ली और लोकल ऑसिलेटर जो है 1455 किलोहर्ट्ज ले ली, ठीक है, तो 1455 किलोहर्ट्ज की जो यहाँ पे भी बेसिकली आपका ये 1455 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, मतलब कहने का ये है कि कोई कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो लोकल ऑसिलेटर ने अगर 1455 किलोहर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी इसने जो है वो प्रोड्यूस करी है, तो बेसिकली क्या है, एफ आई एफ की दो वैल्यू मिलेंगी, जब प्लस साइन के साथ होगा तो ये 2455 किलोहर्ट्ज हो जाएगा, और जब ये निगेटिव साइन के साथ मतलब डिफरेंस इसका लिया जा रहा होगा तो एफ आई एफ की वैल्यू 455 किलोहर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है वो एफ आई एफ क्या है, दो वैल्यूज मिली, और इन्हीं वैल्यूज को मतलब यही इसके साइड बैंड जो है वो एम्पलीफाई किए जाएंगे आई एफ एम्पलीफायर के द्वारा, तो इंक्रीज द लेवल ऑफ द सिग्नल, और यहीं पर डिमॉड्यूलेशन होगा, द रिसीव सिग्नल इज नाउ प्रोसेस्ड बाय द डिमॉड्यूलेटर स्टेज वेयर द ऑडियो सिग्नल इज रिकवर्ड एंड देन फर्दर एम्पलीफाइड, ठीक है। एंड ऑडियो एम्पलीफायर का क्या काम है, कि दिस सर्किट एम्पलीफाई द डिटेक्टेड ऑडियो सिग्नल एंड ड्राइव द लाउड स्पीकर टू द ड्राइव साउंड, ठीक है। तो लाउड जो हमारा लाउड स्पीकर है, वो लाउड स्पीकर कितने मिनिमम सिग्नल को रिस्पॉन्स करता है, उस हद तक जो हम सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए बेसिकली ऑडियो एम्पलीफायर का यूज करते हैं, ताकि हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो कंपेटेबल किसके हो जाए, उस लाउड स्पीकर के इनपुट के कंपेटेबल हो जाए, और उस लाउड स्पीकर को क्या करें, एक्टिवेट कर सके, ताकि हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसमें, साउंड सिग्नल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ लाउड स्पीकर कैसा काम कर रहा है, एज अ ट्रांसड्यूसर के तौर पर काम कर रहा है। फिर सेंसिटिविटी एंड सेलेक्टिविटी की बात करें, तो सेंसिटिविटी जैसा आप लोग जानते होते हैं कि वीक सिग्नल को जो है वो जो सबसे वीक सिग्नल हो उसको क्या करे, सेंस कर पाए, और नॉइज को भी सेंस मतलब नॉइज को सेंस करके डिस्कार्ड कर दे, ठीक है। और सेलेक्टिविटी क्या है, कि बैंडविड्थ डिपेंडेंट होती है ये, ठीक है, और बेसिकली 1% ऑफ द आरसी फ्रीक्वेंसी हम मानते हैं कि किसी सिस्टम की सेलेक्टिविटी है हेटरोडाइन रिसीवर की, ठीक है। तो हाउ रेडियो वेव्स ट्रेवल, अब रेडियो वेव ट्रेवल कैसी होती है हम उसके बारे में अगर बात करें, तो ऑल्दो रेडियो वेव्स आर समटाइम्स कोलोक्यूली रिफर टू एज द एयर वेव्स, ठीक है, जैसे फ्लक्चुएशंस हम साइनोसॉइडल देखते हैं, कुछ इसी टाइप का जो है यहाँ पर ट्रांसमिशन होता है, दे डू नॉट रिक्वायर एयर आर एनी अदर मीडियम इन विच टू ट्रेवल एंड कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम, और ये मीडियम से भी और वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती हैं, लाइक लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अनलेस समथिंग रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्ट्स देम, ठीक है, ये सीधी रेखा में और में चलती हैं जब तक कि इनके बीच में कोई हर्डल नहीं आता है, ठीक है। तो बेसिकली इनका जो बिहेवियर होता है वो लाइट्स के थ्रू होता है, बीच में कोई हर्डल आ गया तो रिफ्लेक्शन वगैरह भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली रेडियो वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं और कैसे ये हमारे जो है वो सिस्टम को जो है पे आती हैं और कैसे हम इसको रिसीव करते हैं, ठीक है।
तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमने आज के लेक्चर में सीखा कि कैसे जो है हमारा रेडियो वेव ट्रांसमिट हो रही हैं, और फिर वो डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑसिलेटर, जैसा आपने लोगों हम लोगों ने आज जो है बेसिकली वो 3 types के ऑसिलेटर पढ़े थे, ठीक है, जिसमें आपने क्रिस्टल रेडियो रिसीवर ऑसिलेटर पढ़ा था जो बहुत बेसिक ऑसिलेटर था, सिंपलेस्ट सर्किट था। फिर हम लोगों ने ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर पढ़ा, ठीक है। तो जो ट्यून्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर था, यहाँ बेसिकली क्या था कि हम जो है वो किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ट्यून्ड करके उसको रिसीव कर पा रहे थे, जहाँ पर एक से अधिक फ्रिक्वेंसी थी वहाँ पे भी। और फिर आपने सुपर हेटरोडाइन रिसीवर पढ़ा और इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के बारे में अध्ययन किया। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे के लेक्चर में हम लोग कुछ इसके और भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।